Hi guys. Hi. One more day of monsoon. और आज हम फिर जा रहे हैं कहीं आउटिंग के लिए. और आपने शिरडी के साईं बाबा के बारे में तो सुना होगा. साईं बाबा का बहुत फेमस वर्ल्ड फेमस टेम्पल है शिरडी में. लेकिन पुणे में भी साईं बाबा का एक टेम्पल है जिसको प्रति शिरडी और मिनी शिरडी के मिनी साईं बाबा के मंदिर से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है. तो आज हम लोग लास्ट वीकेंड यहाँ गए थे. तो उसको मिनी शिरडी के नाम से भी जाना जाता है. तो आज हम वहीं जा रहे हैं और आपको भी दिखाती हूँ कि प्रति शिरडी मंदिर कैसा है. ये हम लोग वाकड़ से मुंबई पुणे हाईवे की तरफ आए हैं और टोल पड़ा है यहाँ पे. अब यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर का रास्ता और रह गया है और ये मेन रोड से हमने लेफ्ट टर्न किया है और यहाँ से अभी सिर्फ 2.5 किलोमीटर रह गया है. बारिश कंटिन्यूसली हो रही है. और हम पहुंच गए हैं ये प्रति शिरडी शिरगांव में है ये. ये लड्डू प्रसाद काउंटर है. यहाँ से आप शिरडी के लड्डू ले सकते हैं. काफी अच्छा और शांत लग रहा है यहाँ पर. अब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है. और साफ सफाई भी काफी है. तो गाइज हम दर्शन करके आ गए हैं. अंदर रिकॉर्डिंग और कैमरा अलाउड नहीं था और अब हम आगे जा रहे हैं. इधर देखते हैं क्या है. सुनाओ कैसे खुश हुए. ये तो बहुत अच्छी लग रही है. अरे इधर क्या है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है. अंदर भी जा सकते हैं क्या इसके, यहाँ पर. ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है. गाइस प्रसाद मिलने का जो टाइम है वो 12:30 से 3:30 बजे तक है और शाम को 6:30 से 9:30 बजे तक है. तो हम लोगों ने तो अपना प्रसाद मिस कर दिया है एंड आई डोंट थिंक कि हम 6:30 बजे तक रुकेंगे यहाँ पर क्योंकि अभी 5 बज रहा है. ये लड्डू लिए हमने प्रसाद में. ये शिरडी में भी इसी टाइप के लड्डू मिलते हैं और यहाँ पे भी 60 रुपीज के 4 लड्डू हैं. दक्षु के फेवरेट. दक्ष को मिल गए उसकी फेवरेट चीजें झूले. ये देखिए कैट कितने आराम से सो रही है बेड के ऊपर. तो दर्शन हो गए हमारे अच्छी से. हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली. दक्ष ने झूले भी झूल लिए और दक्ष के टॉयज भी आ गए है ना. तो अच्छा था हमारा आज का दिन और साईं बाबा के दर्शन हो गए. इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है. तो कल हम गणेश जी के मंदिर में जाएंगे. हाँ कल गणेश जी के मंदिर में जाएंगे होपफुली. देखते हैं
दक्ष को मंदिरों में जाना बहुत पसंद है। तो गाइस बस अगर आप पुणे में रहते हैं तो प्रति शिरडी जरूर एक बार आइए दर्शन करने के लिए, और अगर पुणे घूमने के लिए आए हैं तो भी आप अगर शिरडी नहीं जा पाते किसी रीजन से तो आप यहाँ पर आके साईं बाबा के दर्शन कर सकते हैं। हाँ, इधर से पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, बाहर रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। तो गाइस बस आज का वीडियो यहीं पे बंद करती हूँ, और अगर आपको पसंद आया ये वीडियो, ये जानकारी है साईं बाबा का मंदिर, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साईं बाबा आपका भला करेंगे। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, बाय।